हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईआरटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको होम और एंड का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या यूजेज है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पेज अप और पेज डाउन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम आपको होम और एंड के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो तो सबसे दोस्त पहले हम आपको होम की यूजेज के बारे में बताएंगे कि होम का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कहाँ करते हैं। जैसे आपके पास डेटा है और आप किसी भी रो के किसी भी सेल पर हो और वहाँ से आप उसी रो के फर्स्ट सेल पर जाना चाहते हो, तो आप होम का यूज करके उस सेल के उस रो के फर्स्ट सेल में जा सकते हो। तो ये इसका यूजेज है। मैं आपको एक बार एग्जांपल में करके भी दिखाता हूँ। जैसे आप अभी जनरली कहाँ पर हो कि H5 पर हो और यहाँ से आप A5 पर जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे? होम का बटन प्रेस करिए और आप A5 पर चले जाओगे, उसी रो के फर्स्ट सेल में आप चले जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। होम ये देखिए, आप चले गए। अब मैं दूसरे रो पर गया, यहाँ पर G3 पर गया हूँ। अब जैसे ही होम बटन प्रेस कर किया, मैं A3 पर चला गया। तो ये यूजेस था आपका होम का। अगर आप डेटा के फर्स्ट रो फर्स्ट सेल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस होम का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस होम। देखिए, आप फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल में पहुंच गए थे। मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस होम। तो ये था हमारा होम के की का यूजेज। सेकेंड हमारा है एंड। एंड का यूज हम वहाँ पर करते हैं, जैसे कि आप किसी भी डेटा पर हो और आपको उसके एंड पर जाना है, तो वहाँ पर हम कंट्रोल प्लस एंड का यूज करते हैं। तो हम उसी डेटा के लास्ट रो पर पहुँच जाते हैं। देखो, मैं करके दिखा भी दिया। तो आप कंट्रोल प्लस एंड का यूज करके किसी भी डेटा के एंड तक पहुँच सकते हैं। तो ये दोनों का यही दो यूज है। तो ये यूजेस था होम और एंड का इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आई होप इस वीडियो को समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।